केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए मोदी सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा के रखी थी, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने प्याज के निर्यात को एक बार फिर से मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि समिति ने बांग्लादेश को 50,000 टन के साथ कुल 3,00,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। प्याज पर लगे निर्यात का बैन हटने के बाद किसानों ने इस फैसले का सम्मान किया है। जहां किसानों में एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं कुछ किसानों का ये भी कहना था कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन हटाकर अच्छा तो किया, लेकिन अगर इसे 10 से 15 दिन पहले हटाया होता तो शायद ज़्यादा बेनिफिट रहता। चलिए आपको दिखाते हैं कि किसानों और व्यापारियों का क्या कहना है प्याज के निर्यात पर बैन को हटाने को लेकर। देखिए हमारे संवाददाता नमन की ये रिपोर्ट। 3 रुपये बाजार टाइट था और आज जितेंद्र चौधरी बताए, भारत सरकार ने जो है एक्सपोर्ट का प्याज पर बढ़ाने का फैसला लिया है, कितना फायदा इससे मिला? इससे किसानों का फायदा होगा सर, वैसे जैसे खबर मिली इससे 2-3 रुपये बाजार टाइट हुआ है। यहाँ पे आवक कम है, अभी फिर भी बाजार 16-17 रुपये 18 रुपये की पोजिशन में, जो माल 14-15 रुपये बिक रहा था वाइज 15-16 रुपये 17 रुपये बिका। आने वाले समय में और संभावना है? संभावना है, बाजार पोजिशन टाइट हो जाए। आज भाव क्या रहा? आज ऊंचे में सब बढ़िया 18 रुपये तक सुपर मार्केट, और नीचे सबसे नीचे में जैसे भी क्वालिटी 10 रुपये से लगा 11, 12, 13, 14, 15 माल की क्वालिटी के ऊपर। और जब एक्सपोर्ट बंद था तो उससे कोई ना कोई नुकसान? नहीं, नुकसान के बाजार नहीं मिल रहे थे, किसानों को बाजार नहीं मिल पा रहे थे, पोजिशन डाउन थी, 8-9 रुपये 10 रुपये की पोजिशन थी उस समय। अभी क्वालिटी नहीं आ रही, वैसी क्वालिटी सुपर आ रही है, वो 11-12 रुपये बिक रही थी, जो आज 15-16 रुपये 17 रुपये बिकी है। अभी किस तरह की स्थिति आवक की प्याज? आवक अभी प्याज की कम है, नासिक वाली ज्यादा आ रही है, अभी नेफिट वाली कम निकल रही है, जैसे ही नेफिट की निकलेगी बाजार उसमें सुपर जाएंगे। और किस किस क्वालिटी की प्याज हमारे यहाँ पर आती मंडी? हमारे यहाँ पे एक तो नासिक क्वालिटी चलती है, दूसरा अपना नेफेट का आता है देसी माल, जो सुपर स्टॉक का माल, वो अभी शुरू नहीं हुआ। एक्सपोर्ट के लिए किस तरह की प्याज की डिमांड? एक्सपोर्ट के लिए अपने जो प्याज आती है देसी नेफेट वाली, यही जाती है। मेरा नाम सोके मंसूरी। क्या लेके आए हैं? मैं आज लहसुन लेके आया हूँ। प्याज के ऊपर जो सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, इसका फायदा मिलेगा? मिलेगा ना सर। आज का दाम रहे प्याज? आज प्याज बिकी 24 रुपए से 23 रुपए 18 रुपए 19 रुपए तक। आने वाले समय में क्या बिकने की संभावना? 30 रुपए से ऊपर बिकेगी सर प्याज। आपने की प्याज की बोली? जी। कितने बीघा में? मेरे पास 1 बीघा से 1.5 बीघा के आसपास। कौन सी किस्म का प्याज है? ये भी नासिक का। अच्छा, क्या अलग अलग किस्मों के हिसाब से दाम जाएंगे? हाँ, अलग अलग किस्मों से दाम जाएंगे। क्या संभावना लग रही? 50 रुपए तक बिकेगी गर्मी वाली प्याज। अच्छा जी। और एक्सपोर्ट घटा दिया तो उसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। इससे पहले नुकसान वगैरह हुआ था? हाँ नुकसान हुआ ना, 10 रुपए 8 रुपए 5 रुपए प्याज बिकी। अब की बार फायदा होने की? हाँ अब की बार कल से फायदा होने की वो लगी है। जितनी लागत लगती उससे ज्यादा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा? हाँ अभी तो गुंजाइश नहीं है, पर अभी तो घाटे का सौदा है, पर आगे जाके अगर हो सकता है फायदा मिले। क्या नाम है? मेरा नाम सोके मंसूरी। हाँ मेरा माल भी लोडिंग भी करते हैं, ये दो ही चीजें करते हैं। अच्छा, सरकार ने अब प्याज पर तो एक्सपोर्ट का उसको बढ़ाने का फैसला लिया है, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? ये तो अभी व्यापारियों ने करा है, अभी व्यापारियों की तेजी बद्दी और देसी प्याज का सुनने में आ रही है कि देसी प्याज ही एक्सपोर्ट होगी, वो भी शायद गवर्नमेंट को देगी अभी, बाकी ये तेजी आ गई है तो तेजी के चक्कर में, बस तेजी पक्की नहीं है, ये कच्ची तेजी है, ये 2-3 दिन में मालूम पड़ जाएगा। भाव कुछ बढ़ रहे हैं अभी? प्याज के भाव बढ़े ना सीधे, जो मतलब शनिवार को बाजार था वो एकदम से 7-8 रुपए बढ़ गए सोमवार के दिन, और आज भी कुछ बिके 22-23, कुछ लाट 25 भी बिके, आने वाले एकदम से 7-8 रुपए की तेजी हुई है, जो व्यापारियों ने लिया एकदम से एक अच्छी तेजी, अगर बाजार लुढ़क गए तो 7-8 रुपए माइनस हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ संभावना और दाम बढ़ने की प्याज की? नहीं नहीं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अभी देसी प्याज अभी आई नहीं है, बहुत कम आ रही, कच्ची कटिंग की आ रही प्याज है। एक्सपोर्ट में जो दाम बढ़े हैं उससे आम जनजीवन पे फिर थोड़ा सा फर्क पड़ने की संभावना? पड़ा है ना फर्क, पड़ा एक्सपोर्ट में पड़ा है ना, सब खेरची वाले ये लोग जो माल ले रहे हैं तेज भाव में ले रहे हैं, जो जोड़ फोड़ 3-4 रुपए बिक रही थी 7-8 रुपए बिक रही है, ये तेजी मंदी में मतलब कितने ही, जैसे अभी एकदम से अगर तेज भाव लिया व्यापारी ने और एकदम मद्दा हो गया तो बहुत लंबे गाड़ियां ही रास्ते में चलती 4-4 5-5 दिन, बहुत लंबे पैसा माइनस हो जाते हैं व्यापारियों को। सरकार
सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है तो उससे कोई प्याज के दाम पर असर पड़ेगा? प्याज में असर तो गिरेगा 2-1 रुपए का, आने वाले समय में प्याज का पैसा अच्छा मिलने वाला है। आज के दाम रहे प्याज के? आज के दाम ऊपर में 1-2 लाट बिके 25 रुपए, बाकी जनरल पोजिशन 15 से 20। कितनी आवक रही प्याज की? नहीं के बराबर, महाराष्ट्र का है, लोकल प्याज बहुत कम है। कहाँ कहाँ से आता है हमारे यहाँ प्याज? महाराष्ट्र से आता है, लोकल आता है, खंडवा फायदा मिलेगा, पर जो थोड़ा लेट किया ना, फसल निकल गई किसान के हाथ से, उत्पादन कम है। अगर ये 15-20 दिन पहले होता तो हो सकता है 2-4 रुपए उस टाइम पे पड़ता तो हमारी लागत निकल जाती, क्योंकि हम बारिश में खर्चा बहुत पड़ता है, बीज महंगा मिलता है, चुपाई मजदूर महंगे, और फिर कोहरे धुंधल से बहुत इसमें उत्पादन में प्रभावित होता है। हिसाब से क्या लागत, अभी जैसे लहसुन भी भाव है पर उत्पादन कम है, अब जब ज्यादा उत्पादन आएगा तो बाजार डाउन हो जाएंगे। बहरहाल किसानों, व्यापारियों और कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद है कि अब यहां से प्याज की कीमतों में तेजी बन सकती है। वहीं कुछ किसानों का ये भी कहना था कि अगर ये फैसला 10 से 15 दिन पहले लिया जाता तो शायद सभी किसानों को इसका फायदा देखने को मिल सकता था, क्योंकि ज्यादातर किसान अपना प्याज निकाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।